दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आप सभी का गुरुदेव वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2021-22 हेतु कक्षा 10वीं हिंदी विषय का प्रश्न पत्र। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे कि आप सबको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं और समझते हैं कि वार्षिक परीक्षा पेपर 2021-22 कक्षा 10वीं आपका हिंदी विषय का किस प्रकार का आएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए दोस्तों, तो इस जगह पर आपका सीरियल नंबर डाला हुआ होगा और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो स्पष्ट इस जगह पर आपका लिखा होगा 23 टोटल क्वेश्चन होंगे और अगर देखा जाए तो 8 पेज पर प्रिंटेड होंगे। और अगर आगे देखिए दोस्तों, तो इस प्रकार के दोस्तों नीचे यहाँ पे आपको निर्देश देखने को मिल जाएंगे, ये आपको अच्छे से भली भांति पूर्वक समझ लेने हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आपका पेपर किस प्रकार का होगा। शुरू से लेके अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, पूरा हल सहित आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़ पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं और समझते हैं कि आपका हिंदी विषय का पेपर किस प्रकार का आएगा। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। तो दोस्तों ये आपसे 1x6 यानी कि 6 अंक में आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों इसका राइट हो जाएगा योग साधना का। अगला देखें तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो दोस्तों ये रहती है कस्बे के चौराहों का किसके प्रतिमा लगी हुई थी, तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की। बाल गोविंद भगत साहब किसे कहते थे, तो कबीर को कहते थे। मुंह की खाना का क्या अर्थ है, तो दोस्तों इसका अर्थ है पराजित होना। चलिए अगला देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला ये रहा भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था, तो दोस्तों इसका नाम ये तारकेश्वर नाथ आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आगे देखा जाए तो ये दिया गया है, आप देख सकते हो श्री कृष्ण पढ़ाए, क्या पढ़ाए दोस्तों, तो इसमें आपको लिख लेना है राजनीति, तो इस जगह पर आप लिख लोगे राजनीति पढ़ाए। अगला देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे गांव मधुर चांदनी रातों की, तो दोस्तों इसमें आ जाएगा उज्जवल गाता कैसे गांव, तो इसमें आपको लिख लेना है उज्जवल गाता कैसे गांव मधुर चांदनी रातों की। अगला देखें तो महाकाव्य में जीवन का समग्र का चित्रण होता है, ये आपको लिख लेना है। अगला देखें तो संघर्ष रस का स्थायी भाव रहती है, नेताजी का चश्मा गद्दी की कहानी विदा है। और अगला देखें तो कर्मवाच्य में क्रियाकर्ता के अनुसार होती है। और अगला देखें तो जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी, क्या नहीं थी दोस्तों, ये आपको जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर क्या नहीं थी, नाक नहीं थी, तो इस जगह पर आपको दोस्तों नाक लिख लेना है। तो चलिए ये हो चुके हैं दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न और उनके उत्तर भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों आगे आप यहाँ पे देख सकते हो सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में अगर देखा जाए तो पहला जो सही जोड़ी दी गई है आप यहाँ पे देख सकते हो क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर आप आसानी से इसको देख पढ़ो नोट कर सकते हो। दिया गया है उद्धव, तो दोस्तों इसकी जोड़ी मिल जाएगी योग का संदेश लेके आए थे उद्धव। कामायनी क्या है दोस्तों, तो ये महाकाव्य है, इसकी जोड़ी इससे मिला लेनी है। महाबोज क्या है दोस्तों, तो तीसरे की जोड़ी दोस्तों घ नंबर से मिल जाएगी, आपको इससे मिला लेनी है। मात्र भी ही, तो दोस्तों इसकी चौथे की जोड़ी घ नंबर वाले से मिल जाएगी, आप इसकी जोड़ी इससे मिला लें। राम जी चिरई, तो पांचवे की जो जोड़ी दोस्तों छ नंबर से मिल जाएगी, आप इसकी जोड़ी इससे मिला लें। और हिरोशिमा ये आगे से मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी जोड़ी कम्प्लीट हो जाएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो प्रश्न होगा आपका वो होगा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए, ये दोस्तों आपसे 1x7 यानी कि 7 अंक में आपसे पूछे जाएंगे। पहला दिया गया है सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ गए थे, दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा विश्वामित्र के साथ गए थे, तो आप इसमें लिख लीजिएगा, क्या लिखोगे आप, विश्वामित्र के साथ गए थे, तो इसका आप आंसर लिख लोगे विश्वामित्र के साथ गए थे।
तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख लेना है। चलिए अब अगला देख लेते हैं, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, तो आपको इसमें शोक लिख लेना है। पर इसके पहले एक ऊपर वाला छूट चुका है, तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। भक्तिकालीन काव्य का प्रधान विषय क्या है, तो दोस्तों भक्तिकालीन काव्य का प्रधान विषय भक्ति भावना, आप इसमें क्या लिख लोगे, भक्ति भावना इस काल का प्रधान विषय है। अगला देखिए, तो दोस्तों फादर कामिले बुल्के का निधन किस बीमारी से हुआ था, ये आपको बताना है। दोस्तों उनका निधन हुआ था जहरबाद के कारण, जहरबाद आप इसमें लिख लोगे। तो अगला देखिए, तो समास के कितने प्रकार होते हैं, तो दोस्तों समास के 6 प्रकार होते हैं, आपको इसमें 6 लिख लेना है। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, दोस्तों एक से अनेक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, तो आपको इसमें ये लिख लेना है अनेकार्थी शब्द। अगला देखें, तो अगला प्रश्न है, अज्ञे ने जापान पर हुए विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी। दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरोशिमा, क्या लिख लोगे आप, हिरोशिमा कविता लिखी, तो आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न के उत्तर भी समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ से आपको देखने हैं सत्य असत्य, सत्य असत्य आप देख सकते हो, 1×6 यानी कि 6 अंक में आपसे पूछे जाने हैं। पहला दिया गया दोस्तों परशुराम के क्रोध को देखकर लक्ष्मण डर गए, तो ये दोस्तों असत्य है। अगला देखे तो प्रबंध काव्य में पूर्वापर संबंध होता है, तो ये सत्य है दोस्तों। अगला देखे तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव ह्रास होता है, तो ये असत्य है दोस्तों, ये भी मानव संस्कृति अविभाज्य है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो भी सत्य है आपका। अगला देखे तो सप्तऋषि में कर्मधारय समास होता है, तो ये असत्य है पूरी तरह से। अगला देखे तो भोलानाथ पिताजी के साथ ज़्यादा रहता था, तो दोस्तों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों सभी प्रश्न और उनके उत्तर आपको ये याद हो गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न और उनके उत्तर भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से नोट कर सकते हो, प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है, और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। गिरिजा कुमार माथुर अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में से किसी एक की 2 रचनाओं के नाम लिखना है, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, महाकाव्य किसे कहते हैं, 2 महाकाव्यों के नाम लिखने हैं, दोहा छंद की परिभाषा लिखनी है। तो आप सभी लोग इनको देखते चले और बराबर इनको याद भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी दोस्तों अच्छे से हो सके। आगे कुछ प्रश्न ये दिए गए हैं, आप लोग इन प्रश्नों को भी देखेंगे और बराबर इनको याद कर लेंगे। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, आप लोग इन प्रश्नों को भी देखते चले और बराबर इनको याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। इसी क्रम में आगे आप देख सकते हो, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर पूछा जाएगा। ये सभी प्रश्न जो दोस्तों आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने हैं, तो आप इनको अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 19 में आपको ये देखने को मिलेगा, आप पूरा इसको नोट कर लीजिएगा। आपको संवाद लेखन करना है किसी भी एक विषय के ऊपर, और अगला 20 में ये देखने को मिलेगा, आप पूरा इसको देखते चले। और प्रश्न 21 में ये दिया गया है, आप पूरा इसको नोट करते चले। दोस्तों इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है, उसमें सिर्फ आपको 23 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने आप सभी को सारे बता दिए। इस प्रकार से आप तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में मैं आप सबको वार्षिक परीक्षा तो शुभकामनाएं देता हूँ, इस वीडियो से विदा लेता हूँ। नमस्कार।